एंड लॉगरिथम। हाँ, और टाइम बचेगा तो आगे का कुछ ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी आज का अपन। सो दिस इज पेज नंबर वन। पेज नंबर वन में आज अपन पढ़ने वाले एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। हाँ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये इनवर्स लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं बेटा, ये ना एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। इनवर्स कैसे होते, पहले तो एक्सपोनेंशियल बता दूं मैं कि ये होता क्या है, और आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 8। आप इसको क्या पढ़ोगे, एक्सपोनेंट 3 टू द बेस 2 इज 8। एक्सपोनेंट 3, ये 3 एक्सपोनेंट है, कितने बेस पे है, बेस 2 पे। वैल्यू क्या है इसकी, 8 है। इसको ऐसे रीड करते हैं अपन, और जब इसको लॉग में कन्वर्ट करके लिखा जाता है, ठीक है, तो जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो किस तरह से लिखते, देखो यहाँ पे इसको लिखोगे लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8 इक्वल्स टू 3। मतलब जब लॉग लिखते हो तो जो एक्सपोनेंट है वो आंसर बन जाता है, जो एक्सपोनेंट का आंसर था वो लॉग की वैल्यू बनती है, और दोनों का बेस सेम रहता है, ठीक है, दोनों का बेस सेम रहता है, ठीक है, दोनों का बेस सेम रहता है। तो इसको लिखोगे क्या यहाँ पे, दिस इज लॉग, लॉगरिथम भी पढ़ते या लॉग भी पढ़ते, लॉग 8 टू द बेस 2 इज 3। अभी देख लो इसको, है ना, पढ़ने का ये तरीका है इनको, लॉग 8 टू द बेस 2 इज 3। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल, और इधर का जो टर्म लिखा मैंने इसको क्या बोलते हैं हम, लॉगरिथम बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। अब कुछ और टर्म है, जैसे मान लो मैं 3 की पावर 2 कर दूं, दैट इज इक्वल टू 9। तो इसको जब लॉग में कन्वर्ट करोगे आप तो लिखोगे क्या, इसको लॉग टू द बेस 3 ऑफ 9 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर लिखने में कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको ऐसा लिख देते, बट ये नोटेशन गलत है, ऐसा ये गलत नोटेशन है। आपको यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना, और छोटा सा लिखना सबस्क्रिप्ट में लिखकर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिखना और छोटा सा लिखना है, ठीक है, मतलब ऐसा लगना चाहिए हाँ ये बेस पे लिखा हुआ है, ऐसा ये ऐसा नहीं लिखना, ये गलत नोटेशन होती है, दिस इज द रॉन्ग नोटेशन, ये करेक्ट नोटेशन। समझ गया बेटा अभी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके, अब लोग आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर वन, जल्दी से ले लो, ले लिए क्या? ले लिए सर। देन पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 पे आएगा बेटा, अभी कुछ और लिखते हैं अपन लॉग, अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल और इधर पे हमने लिखा लॉगरिथम, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, फिर से जैसे मान लो 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और जब आप इसको लॉग में लिखोगे तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100 इज इक्वल टू, कितना लिखते हैं हम इसको, 2 लिखते हैं। ये तो मैंने नंबर के हिसाब से बता दिया, लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर 2 की पावर y इक्वल टू x लिख दूं, तो यहाँ पे अब आप y की अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। जैसे मान लो मैंने y की वैल्यू 1 रखा,
तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, y की वैल्यू अगर अपन ने 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, फिर मैंने y की वैल्यू अगर 3 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। और जब इसको आप लॉग में कन्वर्ट करते हो ऐसा, मतलब फंक्शन बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, लॉग टू द बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू y। तो जैसे अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y क्या हो गया, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया बेटा। और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि यहां पर ये एक्स क्या है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वाई क्या है यहाँ पे, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आप जैसे यहां पे आपने लिखा है, तो अगर मैं इसको लिखूं फर्स्ट वाले टर्म को, तो log टू द बेस 2, log देखो, log टू द बेस 2 ऑफ, फिर से वापस 2 अगर लिखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1। तो y की वैल्यू 1 यहां पर भी आ रही है, x की वैल्यू बेस 2 है तो ये बेस 2 है, और यहाँ पे पावर 1 है जो कि y की वैल्यू, तो वो वहां पे चला गया आपका। फिर सेकेंड वाले टर्म को अगर आप लिख रहे हो तो log टू द बेस 2 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर यहां पे अगर आप लिख रहे हो तो log टू द बेस 2 ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब जो y की वैल्यू आ रही थी 1 2 3 वो यहाँ पे आ गई 1 2 3, और यहां पर जो x की वैल्यू आ रही थी 2 4 8 तो ये 2 4 8 है, और जो बेस है वो s सभी जगह पे एक जैसा है, ये इस तरह से देख सकते हो। तो अभी तो मैंने ये नंबर के हिसाब से बताया, लेकिन आगे आपको इक्वेशन इस तरह से मिलेंगी कि 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x, या फिर log टू द बेस 2 ऑफ x इज इक्वल टू y के फॉर्म में। समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए इसको, हेलो यस। ओके। अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का। ले लिए क्या? तो ये इक्वेशन के फॉर्म पे आ गए अपन, हाँ ये इक्वेशन के फॉर्म पे आ गए हैं। अब मैं और आगे बता रहा हूं अभी, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, हो गया पेज नंबर 2 का। यस सर। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। देखो अभी पेज नंबर 3 पे इस तरह से आएगा। अभी अब मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, e टू द पावर y इक्वल्स टू x। e के बारे में बताया था कल मैंने, e की वैल्यू कितनी होती है, e एक 2.72 लगभग, हाँ 2.72 लगभग। आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप e की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कितनी होती है। जैसे मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है बट वहां से देखेगा नहीं, आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखो ई देखेगा, ई को दबाओगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप, उसमें ई लिखा हुआ है, ई एक इरेशनल नंबर है, ई दबाओगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है, और इसकी वैल्यू है एक्चुअल में 2 पॉइंट ऐसा आते जाती है वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2.7, फिर 1, फिर 8, फिर 2, फिर 8 1, फिर 8 2 8 डैश डैश डैश। तो
तो लगभग लगभग आप इसको 2.72 मान सकते हो। जैसे पाई को अगर आप दबाओगे तो पाई की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14159265358979 and 79 and so on है ना। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे जैसे पाई के लिए आप देखोगे 3.14 फिर 1 फिर 592653 इस तरह से आते जाती है। तो इसकी वैल्यू को नियरली आप क्या मान लेते हो, 3.14 मान लेते हो, ठीक है ना। तो e एक इरेशनल नंबर है। तो e टू द पावर y इज इक्वल टू x, और जब आप इसका log लिखोगे तो log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आपका y बन जाएगा। तो अगर कहीं पे इस तरह से लिखा है, ये इस तरह की इक्वेशन लिखी है, सो दैट इक्वेशन इज रिवर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म पे ऐसा लिखोगे और एक्सपोनेंशियल सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म पे ये लिखोगे। एक्चुअल में लॉग की जो इन्वेंशन थी वो क्यों की गई थी, लॉग की इन्वेंशन की गई थी कैलकुलेशन करने के लिए। पहले बड़े बड़े कैलकुलेशन होते थे, पॉइंट वाले कैलकुलेशन होते थे, कैलकुलेटर नहीं था, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया था। और उसके बाद फिर ये फंक्शन भी है, इक्वेशंस भी हैं। जैसे हमने इक्वेशन पढ़े थे y equals to 1 upon x, या फिर पैराबोला की इक्वेशन है ना, या फिर इस तरह की इक्वेशंस अपन ने देखे थे, ग्राफ अपन ने देखे थे वहां पे। तो ये इक्वेशंस भी हैं और हमको आगे चल के ये यूज में आती भी, ठीक है। सो दिस इज log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल टू y, और इसको ऐसा भी लिखा जाता, दिस इज कॉल्ड नेचुरल log, log टू द बेस e x, या फिर इसको ln x या फिर ln x ऐसा लिख देते हैं। तो ये सब इसको लिखने के तरीके हैं, लेकिन ये सिर्फ बेस e को लिखने के तरीके हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज log टू द बेस e x, इसको कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा मिलेगा या फिर ln x ऐसा भी लिखा मिलेगा। इसको बोला जाता है नेचुरल log, दिस इज नोन एज नेचुरल log, ये नेचुरल log कहलाता है, ठीक है। दिस इज नेचुरल log। कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो log यूज किया जाता है वो बेस 10 वाला यूज किया जाता है, बेस e वाला नहीं। बेस e वाला जो log होता है ये नेचुरल log होता है, ठीक है। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट? और ये नेचुरल log है, इसको ये नोटेशन भी लिखते हैं, इस तरह की नोटेशन भी लिखते हैं। e टू द पावर y इज इक्वल टू x, log टू द बेस e ऑफ x इज इक्वल टू y, ये क्या बन गया यहाँ पे, इसका लॉगरिथम बन गया। समझ गए या नहीं, क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 4 पे आते हैं। मैं लॉग की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं यहां पे, हाँ, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। पेज नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो इसको ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। मैं एक्सपोनेंशियल को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लॉग हम पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल भी एक फंक्शन है और लॉग भी एक फंक्शन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में ये आएगा, फर्स्ट देखो कोई भी टर्म हो, a टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है, 2 की पावर 0 मतलब भी कितना होगा 1, e की पावर 0 का मतलब भी क्या होगा 1, समझ गए। कोई भी टर्म हो, 10 की पावर 0 मतलब भी कितना होता है 1। तो जब आप इसका लॉग लिखोगे, log to the base a of 1 is equals to 0, log to the base 2 of 1 that is also equals to 0, log to the base e of 1 जिसको आप natural log भी बोलते हो ln 1 is also equals to 0, and ये base 10 है, log to the base 10 of 1 is also equals to 0, so this is the first property, समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, a टू द पावर 1 इज 1, e टू द पावर 1 इज सॉरी a e टू द पावर 1 इज e,
10 टू द पावर 1 इज 10. तो जब आप लॉग लिखोगे, लॉग टू द बेस ए ऑफ ए इज 1. जो बेस है अगर आप उसी का लॉग ले रहे हो तो उसका आंसर कितना मिलेगा आपको? 1 के बराबर मिलेगा. फिर यहां पे सेकंड वाले पे देखो, लॉग टू द बेस ई ऑफ ई, या फिर इसको नेचुरल लॉग ई, लॉग ई, नेचुरल लॉग ई, तो इसका आंसर कितना होता? 1 होता है. फिर यहां पे देखोगे लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1. तो ये हो गई यहां पर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लॉग की. तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है कुछ, ये ध्यान रखना. जो बेस है अगर आप उसी का लॉग ले रहे हो तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा. ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए. पेज नंबर 4 अगली प्रॉपर्टी पे आ रहा है अपन, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट पेज नंबर 2 का? यस सर. यस सर. पेज नंबर 4 था, 4 था ना? अब पेज नंबर सर, हाँ सर, आपने जो सेकंड वाले इसमें लॉक वो पहले ई लिखे ना, लॉग टू द पावर ई, सर वो देखो साइड में वहां पे ब्रैकेट में आपने ई नहीं लिखे, 1 लिखना था. कहां पर ले? यहां सर, नीचे आपने जहां पे भी ये ना. हाँ सर. हाँ तो सही तो है, लॉग टू द बेस ई ऑफ ई, इसको ई की पावर ई नहीं पढ़ना, इसको ऐसा लिखा गया देख, लॉग टू द बेस ई ऑफ ई, बेस ई है और उसी का लॉग है तो आंसर 1 है. या फिर ऐसा भी लिख सकते इसको ln e, ये अगर ln लिखा है मतलब ये understood है कि इसका बेस e है, ln लिखा गया तो ये understood है, फिर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कोई और के लिए देख रहे हो तो फिर वहां पे आपको उनका बेस मेंशन करना पड़ता है. अगर ln लिखा है तो उसका बेस ऑटोमेटिकली e हो जाता है. ठीक है, समझ गए? तो भी इसका आंसर 1. क्लियर हो गया बेटा अभी? हेलो, समझ गए या नहीं? Yes, sir. हाँ, ये अंडरस्टूड है, मतलब यहाँ पे बेस नहीं भी लिखोगे एलएन में तो अंडरस्टूड है कि उसका बेस ई है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर मतलब फिक्स किया गया है उसको, है ना. लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने ए के लिए तो यहाँ ए लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे एलएन लिखा है इसका मतलब उसका बेस ई है, वो फिक्स है. तो ये नोटेशन है ऐसे. क्लियर हो गया अभी? दोनों प्रॉपर्टी समझ गए. अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 5 पे प्रॉपर्टीज नंबर 3. Then प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे आएगा, देखो अभी अगली प्रॉपर्टी, लॉग टू द बेस ए, कोई भी बेस हो, अगर मान लो यहां पर x इंटू वाई लिखा गया है तो ये बन जाएगा आपका लॉग टू द बेस ए ऑफ x प्लस लॉग टू द बेस ए ऑफ y, या फिर कोई भी बेस हो, हाँ चलेगा ये. जैसे मैं बेस e कर दूं तो बेस e में भी यही आएगा फिर इधर पे, ठीक है, बेस ई में भी इधर ही आएगा. अच्छा, एक और मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कॉमन, क्या होती, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, तो क्या लिख देते, लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स प्लस लॉग टू द बेस ई ऑफ वाई, ये इक्वल नहीं होता है. यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो बेटा ये इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखना. बहुत मिस्टेक करते बच्चे इसमें, इसलिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे. जैसे log टू द बेस 10 ऑफ x इंटू, या फिर मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूं log टू द बेस 3 इंटू 5 इंटू 10, तो आप इसको लिख सकते हो log टू द बेस 10 ऑफ 5 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 10. हाँ, इसके बाद फिर आप वैल्यू निकाल के और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, या आप डायरेक्ट log 50 की वैल्यू. तो ये एक्चुअल में इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, log टू द बेस 10 ऑफ 50, ठीक है, ये 5 इंटू 10 मतलब 50, तो आप ऐसा लिख सकते हो. क्लियर हो गया? बट यहां पर आप देखते तो ये 15 बनता, जैसे मैं अगर इसको लिख दूं दिस इज लॉग टू द बेस 10 ऑफ 5 प्लस 10, तो एक्चुअल में ये किसके इक्वल है, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 15 के इक्वल. फिर चाहो तो आप 15 को ब्रेक कर दो, दिस इज लॉग टू द बेस 10 ऑफ 3 इंटू 5 कर दो, और फिर ये
फार्मूला लगा दो यहाँ पे, log टू द बेस 10 ऑफ 3 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 5, फिर ऐसा लिख सकते हो। तो एक्चुअल में 5 प्लस 10 नहीं आएगा, ये log 5 प्लस 10 इसके इक्वल बनता है। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब इस पेज का भी स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 5 का, अगली प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ मैं, जल्दी से ले लो अभी। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? अरे इस प्रॉपर्टी को समझ गए? यस सर। माइक म्यूट करो फटाफट। चलो अगली प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं अपन, लॉग के। प्रॉपर्टी नंबर 4 लॉगरिथम। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 अब, पेज नंबर 6 सॉरी, दिस इज पेज नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, लॉग टू द बेस पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई है, तो ये बनेगा लॉग टू द बेस पी ऑफ एक्स माइनस लॉग टू द बेस पी ऑफ वाई, ऐसा बनेगा ये प्रॉपर्टी। मतलब अगर यहाँ पे डिवीजन है तो माइनस आएगा यहाँ पे, मतलब ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। log to the base p of x minus y is not equals to log to the base p of x minus log to the base p of y, डिवीजन में माइनस आता है ये, ठीक है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेस कोई भी हो, मैंने बेस e लिखा था, आप बेस 10 को लेके भी कर सकते हो, log to the base 10 of x divided by y है, so this is log to the, जो बेस है वही यहां पर भी आएगा, x माइनस log टू द बेस 10 ऑफ y बनेगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, log टू द बेस e ऑफ x टू द पावर m है, मान लो ये ऐसा है, तो जो पावर होती है वो सामने आ जाएगी निकल के, m log टू द बेस e ऑफ x बचेगा। जैसे मान लो log टू द बेस 10 ऑफ 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 है मतलब आप 5 को बाहर निकाल दोगे और log टू द बेस 10 ऑफ 2 इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। समझ गए? समझ गए ना? तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जिनको आप लोगों को ध्यान पे रखना है। मैं कुछ वैल्यूज बता दे रहा हूँ जिनको आगे आप लोग याद रख सकते हैं, वो हमारे लिए काम में आती हैं। इस पेज का स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 6 का स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए इसका? हेलो, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 7 पे जा रहा हूं। हाँ, देखो अभी पेज नंबर 7 पे ये नोट पे आप लोग याद रखो, अभी सो फर्स्ट log टू द बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू होती 0.3010। आप ऐसा बेस 10 के हमारा कैलकुलेशन के यूज आता है इसलिए मैं बेस 10 वाला लिख रहा हूं। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना आपके पास, तो उसमें वैल्यू पुट कर करके देखते जाना, तो उसमें बेस 10 और बेस ई वाला मिलेगा आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो आपको वैल्यू दिखती जाएंगी ना। एंड log टू द बेस 10 ऑफ 3 ये होता है लगभग 0.48 के आसपास होता है ये, ठीक है, 48 या 47 भी लिखते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। log 3 477 मतलब 48 आप लिख सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट, log टू द बेस e ऑफ x है या नेचुरल लॉग x है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 लॉग टू द बेस 10 ऑफ x बनता है। तो अगर बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो सामने कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, नेचुरल लॉग ये भी बहुत यूज में आता है, नेचुरल लॉग 2 या
लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0.693 इसकी वैल्यू होती है, नेचुरल लॉग टू की वैल्यू 0.693 होती है बेटा, इसको ध्यान पे रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू आप लोग ध्यान पे रखो इस तरह से, और जो बेस है अगर उसी का आप लॉग देख रहे हो, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 कितना आएगा 1, फिर क्लियर हो गया, अभी लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये याद रखना है। सिमिलरली लॉग ई का आंसर भी 1, नेचुरल लॉग ई का आंसर भी 1, जो बेस है उसी का लॉग ले रहे हैं तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है, और वैसे तो प्रॉपर्टी में बता ही दिया था मैंने, तो ये वैल्यू को याद रखो। अब एक क्वेश्चन है, पहले आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना, ट्राई करना ये जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। अब आपको जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया उनका यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ 5, अभी जो वैल्यू बताया था मैंने उनका यूज करना था और प्रॉपर्टी यूज करना, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 दैट इज 0.3010 और log to the base 10 of 3 that is 0.48, बस इनका यूज करना है, और मतलब बिना कैलकुलेटर या बिना log टेबल के आपको log to the base 10 of 5 की वैल्यू निकालना है, और सिर्फ आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो और ये वाली वैल्यू बस यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा देखो, 5 को 3 में स्प्लिट करेंगे, इसको 5 को 5 2 और 3 में कैसे स्प्लिट होगा, 2 प्लस 3 करोगे तो वहां वो लगेगा नहीं, रूल लगेगा नहीं, है ना, रूल लगेगा नहीं ना फिर, यस सर। हां तो क्या कर सकते हो आप, इसको 10 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो कि नहीं, यस सर। तो अब 10 डिवाइडेड बाय 2 है तो log टू द बेस 10 ऑफ 10 आ जाएगा और माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 2 बचेगा, हां या ना, समझ गए कि नहीं, समझ गए ना, हाँ तो सर, अरे इसको 10 बाई 2 लिख सकते हो, लॉग 10 बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं, और फिर ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2, माइनस साइन समझ गया क्यों आ गया बेटा, 5 को क्या लिख सकते हो आप, 10 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो या नहीं, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बताओ जल्दी से, यस सर, यस सर, डिवीजन का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है, ये 10 डिवाइडेड बाय 2 लिखो या 10 बाय 2 लिखो एक ही बात होती, क्या फर्क होता है, समझ गए, यस सर, जो बेस है उसी का लॉग है तो उसका आंसर 1 आएगा, और बेस 10 पे 2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज 0.3010, सॉल्व कर दोगे तो 1 में से ये जाएगा, तो आप इसको लिख दो 1.00 माइनस 0.3010, तो आंसर कितना 0.99 फिर 6 है ना, तो 0.699 इसका आंसर आ जाएगा, बराबर है, समझ गए या नहीं, फिर उसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, log 10 log base 10 और 2 और 3 का वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, 2 और 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बता, 6 होता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 होगा ना, अगर तुम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा सीधे सीधे कर दे तो प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी, देख 5 है तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो यहाँ पे दिस इज 3 प्लस 2 तो ये तो इक्वल नहीं होता ना इसके, log टू द बेस 10 ऑफ 3 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 2 ये इक्वल होता है क्या, नहीं होता, प्लस में मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे प्लस आता है, समझ गए, हेलो समझ गए या नहीं, यस सर, हाँ इसलिए वो वैलिड नहीं है फिर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि अभी भी कोई डाउट बचा है, यस सर क्लियर, हाँ तो ये आज अपन ने पढ़ा है लॉग के बारे में पूरा,
ठीक है, आज की क्लास में यही जल्दी छोड़ दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और कल से लेकिन टाइम पे ध्यान रखना, मैं 10 मिनट चलो लेट ही चालू करता हूँ, 9:30 से चालू करूंगा क्योंकि बच्चे आते नहीं, लेकिन 9:30 मतलब 9:30 कल से ना, ध्यान रखना एग्जैक्ट टाइम पे सभी बच्चों को एंटर करना है। मैं फिर कल से क्या होगा ना बेटा, और ये जो क्वेश्चन आज जिस बच्चों ने उठाया था वो जायज भी है,